ट्वेंटी में ऋषभ पंत, विराट कोहली और रोहित शर्मा को ड्रॉप कर दिया गया है, जिसको लेकर उनके फैंस बिल्कुल भी खुश नहीं है। और उनका ये मानना है कि जब महेंद्र सिंह धोनी थे तब बीसीसीआई का जो टीम स्क्वाड रहता था वो बहुत बढ़िया रहता था, और बीसीसीआई जो टीम चुनती थी वो फैंस के अकॉर्डिंग ही चुनती थी और फैंस फॉलोइंग के अकॉर्डिंग ही चुनती थी, जिसका परफॉर्मेंस अच्छा था उसको चुनती थी। महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टनशिप के अंदर विराट कोहली और रोहित शर्मा तो आज तक ड्रॉप हुए ही नहीं, लेकिन इस बार देखना ये पड़ रहा है कि भाई विराट कोहली और रोहित शर्मा को ड्रॉप कर दिया है T20 के लिए, जिसको देखने के बाद इंडियन फैंस बीसीसीआई से बिल्कुल भी खुश नहीं है, जहाँ की वो संजू सैमसन को मौका नहीं दे रहे हैं, ऋषभ पंत को निकाल दिया गया है, न ओडीआई में न T20 में, और ऋषभ पंत को नहीं खिलाया जा रहा, सैमसन को तो जरा सा मौका ही नहीं दिया जा रहा, न टेस्ट में न ओडीआई में न T20 में, जिसकी वजह से इंडियन फैंस बिल्कुल भी खुश नहीं है बीसीसीआई से, और इसको लेके बीसीसीआई को सख्त कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर इंडियन फैंस खुश नहीं होंगे तो भाई बिल्कुल दिक्कत आ जाएगी, और इंडियन फैंस को खुश करना बीसीसीआई का काम है। देखते हैं अब बीसीसीआई क्या करते हैं इसके ऊपर, और संजू सैमसन को कब मौका मिलता है, ऋषभ पंत, विराट कोहली और रोहित शर्मा ओडीआई में खेलेंगे, लेकिन संजू सैमसन को तो मौका मिल भी नहीं रहा।